नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत चीन के बीच आज सैन्य कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता। देवसंग गोगराहाट स्प्रिंग में सैनिकों की वापसी पर होगी चर्चा। LAC पर चीन के नरमी के बावजूद तय योजना पर आगे बढ़ने की रणनीति। आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगा भारत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6ठी बैठक शुरू। कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर हो रहा है विचार विमर्श। बैठकों में सभी राज्यों के सीएम समेत वरिष्ठ अधिकारी हो रहे हैं शामिल। ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह नहीं होंगे मौजूद। व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार को दी प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी। कहा, पहले जैसे हैं सेवा की शर्तें और गोपनीयता नीति। लाल किला बवाल के मामले में उपद्रवियों की धरपकड़ होगी तेज। दिल्ली पुलिस ने जारी की 200 लोगों की तस्वीरें। लाल किला बवाल के आरोपी लक्का सिधाना का दिल्ली पुलिस को चैलेंज। वीडियो जारी कर 23 फरवरी को बठिंडा में प्रदर्शन का किया ऐलान। विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। फिर लौट सकती है कड़ाके की ठंड, हो सकती है बारिश। दिल्ली NCR में गर्म होते मौसम ने अचानक बदली करवट। कई इलाकों में छाया घना कोहरा, पारा 30 डिग्री के पार। RBI ने कर्नाटक के डेक्कन अरब कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी। 1000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बंगाल में की रेल परियोजनाओं की शुरुआत। बोले, यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के साथ माल ढुलाई में आएगी तेजी। नौसेना प्रमुख ने की ट्रोपेक्स अभ्यास के सभी पहलुओं की समीक्षा। हिंद महासागर में पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों का होगा इस्तेमाल। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार करने का आरोप। बोली, बिचौलियों के लाभ के लिए कर रहे हैं कृषि कानूनों का विरोध। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटों में 27 दिनों के बाद फिर बढ़े 14,000 केस। देश में कोरोना संक्रमण का मामला 1,09,63,000 के पार पहुंचा। अब तक 1,56,111 लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,12,00,000 के पार। इनमें अभी तक 24,62,000 लोगों की जा चुकी है जान। जर्मनी यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग के वैज्ञानिक ने किया बड़ा दावा। कहा, चीन के वुहान रिसर्च लैब से ही आया कोरोना वायरस। पुडुचेरी CM नारायण स्वामी ने केंद्र पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। बोले, भाजपा की हर कोशिश को नाकामयाब करेगी कांग्रेस। अपने हिसाब से किराया घटा बढ़ा सकेंगी विमानन कंपनियां। हरदीप पुरी बोले, कई पाबंदियों को समाप्त कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार जारी करेगी 3,00,000 करोड़ रुपए की और खाद्य सब्सिडी। पिछले सभी बकायों को खत्म करने के लिए उठाएगी कदम। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछे कई सवाल। संसदीय समिति की बैठक के दौरान भाजपा नेता से हुई तीखी बहस। सोशल साइंस का पेपर लीक होने के मामले में 3 बैंक कर्मी गिरफ्तार। CM नीतीश की फटकार के बाद बिहार बोर्ड ने रद्द की परीक्षा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हर्ष चौहान। 3 साल का रहेगा कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री के स्तर का मिलेगा दर्जा। नेशनल हेराल्ड मामले में हाईकोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। निचली अदालत द्वारा राहुल सोनिया को बरी करने के खिलाफ लगाई याचिका। मुंबई के पास स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेटर बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। CM उद्धव ठाकरे बोले, नए युग के उद्यमों को बढ़ावा देना है लक्ष्य। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने गहलोत सरकार के जनाधार खोने का किया दावा। बोले, आपसी खींचतान से उपचुनावों में 4 सीटें हारेगी कांग्रेस। संभल और मुरादाबाद जिलों में बनाए जाएंगे 2 नए थाने। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। अमीरात से लापता राजकुमारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने UAE से मांगा जवाब। 3 साल से कैद में रखी गई राजकुमारी के जीवित होने का मांगा प्रमाण। जितेंद्र सिंह ने असम में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का किया दावा। बोले, सोनोवाल सरकार के विरोध में नहीं, पक्ष में है लहर। पंजाब मंत्रिमंडल ने गांव के लिए लाल लकीर अभियान को दी मंजूरी। सरकारी विभागों और बैंकों की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे ग्रामीण। भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। बोले, प्रदेश में 100 से अधिक सीटें जीतेगा कांग्रेस गठबंधन। उन्नाव कांड में पुलिस ने नाबालिग समेत 2 को किया गिरफ्तार। 2 दलित लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में की गई कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुस्तक का किया विमोचन। दिल्ली में द हिस्ट्री ऑफ CRPF के नाम से लिखी गई है पुस्तक। महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। प्रशासन की अनुमति के बगैर टिकैत किसानों को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा दावा। कहा, मंत्री और 4 विधायक पार्टी छोड़कर आप में होंगे शामिल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। सुरजेवाला बोले, जनता से लूट बंद कर ईंधन टैक्स जीवी सरकार। ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिया बयान। बोले, सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने पर दिया जाए जोर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। 5 इनामी समेत 6 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। दिल्ली में 12वें दिन 39 पैसे बढ़कर पेट्रोल हुआ 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर। वहीं 37 पैसे बढ़ने के साथ ही 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में की किसान महापंचायत। कहा, केंद्र को चुनौती देने के लिए एक साथ खड़े हैं किसान और नौजवान।
जम्मू कश्मीर में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समापन सम्मेलन को किया संबोधित। चुनाव से पहले असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गुवाहाटी में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में हुआ चुनावी मंथन। यूपी और उत्तराखंड सीएम ने पुस्तकालय का किया उद्घाटन, गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में बनकर तैयार हुई लाइब्रेरी। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने लॉन्च किया सपा का थीम सॉन्ग, नई हवा है नई सपा है, बड़ों का हाथ युवाओं का साथ गाना किया लॉन्च। हैदराबाद में सीपीआई ने तेल और गैस की बढ़ी कीमतों का किया विरोध, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर रखकर निकाली प्रदर्शन रैली। केंद्रीय मंत्री अठावले ने पेट्रोल और अक्षय अमिताभ पर दिया बयान, बोले मनमोहन सरकार के दौरान पेट्रोल पर ट्वीट करना था अलग बात। ईस्ट मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निकाली परिवर्तन यात्रा, प्रधान ने रैली के दौरान सीएम ममता और भतीजे पर बोला हमला। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी, कहा टीएमसी सरकार के इशारे पर झूठे केस में फंसाई गई है पामेला। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में जमकर अभ्यास कर रही है टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या ने जिम से वर्कआउट सेशन की साझा की तस्वीरें। तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड का बड़ा बयान, कहा भारत के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में कहर बरपाएंगे इंग्लिश गेंदबाज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।